डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो तो छोड़ो, वो तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख ही लिया अभी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट बाइट सेवर्ट लॉ में, आप बस मुझे ये बताओ जो भी यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी, जितने भी टेस्ला आएगी, बी की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ, अंदर होगी, बाहर होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, ऊपर नीचे कैसे होगी, ये क्वेश्चन है। इसको करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझें, इस एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम शॉर्टकट करेंगे ताकि फटाफट आंसर आ जाए। सीधा शॉर्टकट करेंगे तो आपको, आप गलत कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन को या इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती थी कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई जा सकती थी, ऐसे ही था। अगर मैं ये बोलता हूँ कि करंट कैरिंग वायर है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट वायर की कैसी बनती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, ऐसे बनती है। इसके आसपास अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, तो वो इमेजिनरी ऐसी बनेंगी, ये देखो, वो ऐसी बनेंगी। मैं स्पेसिंग बढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर जाएंगे तो फील्ड वीक 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 होता जाएगा, तो स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो इमेजिनरी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब ये आपको दिखाई नहीं देंगी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी होती हैं। तो जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसके और करंट मान लो ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी बनेंगी? इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अब ये सर्कल ऐसे बनेगा या ये सर्कल ऐसे बनेगा, ये आपका रूल डिसाइड करेगा आपका राइट हैंड थंब। राइट हैंड के थंब को यूज करें। अगर आपका करंट वायर में ऊपर जा रहा है, तो आप अपने राइट हैंड के थंब को ऊपर ले जाएं और चार फिंगर को घुमाएं ऐसे, आपकी फिंगर ऐसे घूम रही हैं तो लाइंस ऐसे जाएंगी। अगर करंट नीचे जा रहा है, नीचे, तो थंब भी नीचे जाएगा, तो इमेजिनरी लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है, तो ये दिखाई नहीं दे रही, इमेजिन करनी है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, लाइंस ऐसी बनेंगी, सही है? यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, देखो इसलिए बात कर रहा हूँ, आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि ये करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी बनेंगी? सर्कल। तो मैंने उनमें से एक सर्कल ले लिया, डिस्को मत देखें, ये सर्कल है, तो मैंने एक सर्कल ले लिया। तो इमेजिन करें कि ये करंट कैरिंग वायर, कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो थंब ऊपर है, तो ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो इनफाइनाइट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो मैंने एक कोई भी लाइन ले ली, और मैंने, किसी स्टूडेंट ने कहा कि आप मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ, ड्रॉ अ टेंजेंट, क्योंकि लाइन ऐसे जा रही है तो मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो किसी ने कहा यहां ड्रॉ करके दिखाएं, ये रहा टेंजेंट, 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 टेंजेंट। तो इमेजिन कर पा रहे हैं? तो इस डायग्राम को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, तो ये मेरी करंट कैरिंग वायर है, और मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, इमेजिनरी लाइन है ऐसी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इमेजिनरी है, और किसी ने कहा कि इसके ऊपर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, यहाँ पे आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, 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 ऐसे होगा। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये सारी गेम किस पर डिपेंड कर रही है? इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर ही तो क्या किए जाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, कोई डाउट इसमें? अब अगर ये करंट कैरिंग वायर करंट नीचे कैरी करती, ऊपर की जगह नीचे, तो मेरा थंब नीचे जाता, तो मेरी जो लाइंस है वो ऐसी घूमती, और अब अगर कोई मुझे पूछता कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो मैं टेंजेंट ऐसे की बजाय टेंजेंट अपनी तरफ लेता, तो
तो मेरी टेंजेंट ऐसे होती तो डायरेक्शंस उल्टी हो जाती। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये थंब रूल इम्पॉर्टेंट है। ये डिसाइड करती है कि करंट अगर ऊपर है या करंट अगर नीचे है तो थंब नीचे है, लाइंस कैसे घूमेंगी उसी हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कोई डाउट इसमें? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मान लो करंट कैरिंग, देखो आपको ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो पेपर में गिवन नहीं होंगी, आप ड्रॉ भी नहीं करेंगे। आपको सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, ये करंट कैरिंग वायर है, ये पी पॉइंट है, बस आपसे ये पूछेगा कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। आप मन में जो मर्जी सोचें कि यहाँ पर एक लाइन जा रही होगी, थंब ऐसे, लाइन ऐसे जाएगी, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, वो तो चलो एक बढ़िया तरीका है ही है, लेकिन इतना किसी के पास समय नहीं है ना पेपर में कि वो सोचे कि ऐसे लाइन जाएगी फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो शॉर्टकट ये कहता है, आप करंट कैरिंग वायर अगर मान लो ऊपर करंट कैरी कर रही है और आपका पॉइंट यहाँ पर है, आप थंब को यहाँ रखें, आपकी फिंगर ही बन जाएंगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सोचें अगर फिंगर बहुत लंबी होती है मेरी, लंबी लंबी इतनी कम से कम आधे मीटर की, तो मैं शायद पूरा सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता कि देखो एक पूरा सर्कल बन गया। इमेजिन कर पा रहे हो? अब मैं उतना कर नहीं पा रहा, हाथ छोटा है, तो क्या होगा, ये पी पॉइंट है तो मैं थंब ऐसे और पी पॉइंट में मैं ऐसे शो कर दूंगा कि मेरी लाइन ये देखो, ये थंब इधर जा रहा है तो फिंगर्स कैसे जाएंगे इनसाइड, तो यहाँ पर जो भी टेंजेंट बनेगा लाइंस कैसे जाएंगे इनसाइड, टेंजेंट भी कहाँ बनेगा इनसाइड, तो यहाँ पर बी वेक्टर कहाँ होगा इनसाइड, इनसाइड। और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास शो करने का, अब मैं कौन हर पेपर में लाइन थोड़ा ड्रॉ करूँगा। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करता अब क्या होता, तो थंब करंट के साथ और सोचे लाइंस इधर से इनसाइड है तो बोर्ड के अंदर से पीछे से घूम के आउटसाइड ऐसे घूम के आ रही होंगी, तो जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट कैसे बनेगा आउटसाइड। थंब अगर ऊपर है तो मैं तो नॉर्मली एक शॉर्टकट ऐसे अप्लाई करता हूँ, चार फिंगर ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे तो क्यों लेता हूँ कि टेंजेंट की तरह भी काम कर देती है, सर्कल की तरह टेंजेंट हो जाती है। देखो थंब ऐसे है तो देखो क्यू पॉइंट पर टेंजेंट बाहर होगा, तो ये मेरा बी वेक्टर कहाँ पर होगा आउटसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से ट्राई करते हैं, अगले जो बचा हुआ लेक्चर है उसमें यही तो ट्राई करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्शन ही सिखानी है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन आ गई फिर तो गेम ही खत्म हो गई, पूरे मैग्नेटिक फील्ड में है ही कुछ नहीं, गेम और डायरेक्शन ही है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे सोचना है? ये देखो फिर से देखो, ये करंट क्या, अगर ऐसे समझ नहीं आता ऐसे कर लिया करो, ये लो ये वायर है, इस वायर को बोर्ड के बाहर ऐसे निकाल लो, ईजी हो जाएगा ना। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट के साथ थंब रख लो, अगर कोई पॉइंट इस तरफ है तो इनसाइड मेरी तरफ, अगर कोई पॉइंट इस तरफ है तो फिर आउटसाइड, अगर कोई पॉइंट इस यहाँ पे है तो फिर लेफ्ट इधर की तरफ, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो फिर इधर की तरफ, तो डिपेंड करता है कहाँ लेना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसका आंसर दें, इसका आंसर दें। अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है आई, पॉइंट ये रहा पी, बोलो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की आउटसाइड कहाँ पे होगा? चेक करें, राइट हैंड लें, राइट हैंड का थंब लें, थंब ये रहा, तो चार फिंगर कैसे आ रही हैं, थंब को नहीं हिलाना, थंब इधर रखना है आउटसाइड, तो यहाँ पर बी वेक्टर कैसे होगा आउटसाइड, सही। फिर देखें अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे है, अब आंसर क्या होगा इनसाइड, तो आप एक काम करें थंब को ऐसे रखें, इसको ना चेंज करें, अगर यहाँ पे आउटसाइड है यही फिंगर घूम के इमेजिन करें बोर्ड के अंदर जाएंगी, तो यानी कि क्या होगा यहाँ से फिंगर ऐसे जाएंगी तो डायरेक्शन क्या कैसी होगी इसमें इनसाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपकी बुक्स, क्योंकि बी इज अ वेक्टर, तो आपकी जो बुक्स हैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं। वो क्या कहती हैं कि जैसे एक वेक्टर है, इसको ऐसे लेते हैं, एक वेक्टर कुछ नहीं है, एक एरो होता है वेक्टर, तीर को मान एरो, तो एक एरो है, एरो को आगे से देखोगे तो डॉट दिखेगा, डॉट दिखेगा, डॉट दिखेगा, और पीछे देखोगे तो क्रॉस दिखेगा। तो सोचें अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बी वेक्टर इनसाइड जा रहा है तो एरो अंदर जा रहा है, तो क्या दिखेगा, एरो का पिछला हिस्सा दिखेगा, पिछला हिस्सा दिखने का मतलब क्या है कि क्या दिखेगा क्रॉस दिखेगा, तो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है इनसाइड, और ऐसे अगर ये आउटसाइड आ रहा है तो आपको एरो ऐसा दिखेगा, तो ये टिप दिखेगी, तो क्या दिखेगा डॉट दिखेगा, तो याद रखना डॉट का मतलब
आउटसाइड, क्रॉस का मतलब इनसाइड, समझ में आ रहा है? तो जितनी बुक्स हैं वो इन और आउट नहीं लिखती, वो डॉट और क्रॉस लिखती हैं। तो क्रॉस का मतलब इनसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड। क्या ये स्टेप क्लियर है? फिर ट्राई करें, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। सपोज करें क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये रहा, ये एक वायर है, ये कैसी वायर है, ये एक वायर है जिसके अंदर करंट, ये क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, करंट इनसाइड है, मतलब ये वायर ऐसे है, करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब ये वायर की कवरिंग है और करंट अंदर जा रहा है, ये क्वेश्चन है। नॉर्मली मैं वायर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इस बार वायर बोर्ड के अंदर जा रही है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थंब लिया, थंब करंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड। थंब कहाँ पे लेंगे? बोर्ड के इनसाइड, ऐसे होगा। तो अगर करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है तो थंब भी बोर्ड के अंदर जाएगा। ये मेरी चार फिंगर्स हैं जो घूम रही हैं, देखो मैं फिंगर लंबी नहीं है तो मैं डॉट 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 कर दिया, मेरी चार फिंगर्स हैं। तो आई ड्रॉ अ टेंजेंट, टेंजेंट तो आंसर डाउनवर्ड आएगा, नीचे आपके सामने ही तो है। ये देखो ना, ये मान लो करंट इधर जा रहा है, चलो ऐसा कर लो वायर को बाहर निकाल लो, जरूरी ऐसे इसके ऊपर काम करना है, वायर बाहर निकाल लो। ये देखो ये करंट जा रहा है, आपका पॉइंट यहाँ पर है, थंब इधर है, ये देखो देख रहे हो डाउनवर्ड। एक शॉर्टकट याद रख लो, अगर आपकी वायर बोर्ड के ऊपर है, बी वेक्टर कभी बोर्ड के ऊपर बनेगा नहीं, या अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। और अगर आपकी वायर बोर्ड के अंदर या बाहर है तो बी वेक्टर बोर्ड के ऊपर बनेगा, 90 डिग्री पे बनते हैं हमेशा। तो देखो आपकी वायर बोर्ड के अंदर बाहर जा रही है तो बी वेक्टर बोर्ड के ऊपर ही बनना है, यानी कि अप या डाउन बनना है। और अगर वायर अप या डाउन है तो बी वेक्टर इन या आउट बनना है, उल्टा हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से दूसरे एग्जाम्पल में करते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, ये एक वायर है, वायर है डॉट, डॉट का मतलब करंट कहाँ आ रहा है? आउटसाइड। तो करंट की वैल्यू आउटसाइड आ रही है, बाहर आ रही है। मेरे को ये पी पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट पर बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? कितने लोग बोलते हैं अपवर्ड्स, कितने बोलते हैं डाउनवर्ड्स? देखें, राइट हैंड करंट के साथ थंब, करंट कहां आ रहा है? बाहर, थंब ये रहा। तो जब ये फिंगर यहां जाएंगी तो कैसे होगा? डाउनवर्ड है ना। देखो ये फिंगर अगर घुमानी हो तो ऐसे घुमा भी सकते हैं, देखो ऐसे। तो टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा? डाउनवर्ड। तो आंसर क्या होगा? डाउनवर्ड। पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए बना के दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव फटाफट करने हैं, तो आपको ऐसे सीखना पड़ेगा कि अगर करंट बाहर की तरफ है तो डाउनवर्ड ऐसे, और अगर ये पॉइंट यहाँ पे है क्यू पॉइंट, तो बी वेक्टर अगर यहाँ बनाना है तो करंट अभी भी बाहर ही है, तो ये चार फिंगर कैसे जाएंगी? अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ऐसे बना लो ना, ये रहा करंट ऐसे, ये करंट है अपवर्ड्स, इधर अपवर्ड्स तो इधर डाउनवर्ड्स। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? और प्रैक्टिस करते हैं। ये लो, सपोज करो आपके पास दो वायर्स हैं, ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, ठीक। आपके पास ये एक पॉइंट है P, ये वायर नंबर वन है, ये वायर नंबर टू है। आपने P पॉइंट पर वायर नंबर वन और वायर नंबर टू की B की डायरेक्शन बतानी है, क्या होगी? P पॉइंट पर पहले वायर वन बोलो, वायर नंबर वन में करंट इधर है, थंब इधर है, राइट, तो फिंगर्स इनवर्ड। तो वायर नंबर वन की वजह से जो B1 होगा वो कैसे होगा? इनवर्ड होगा, सही है यहां तक? क्यों इनवर्ड होगा?
क्योंकि थंब करंट के साथ जाएगा और आपकी चार फिंगर बोर्ड के अंदर जाएंगे, इसकी वजह से बोलो आउटवर्ड चेक करें, राइट हैंड थंब इधर, फिंगर्स ऊपर से, पी पॉइंट ऊपर से, तो कैसे आएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कई लोग बड़े परेशान होते हैं इसको करते हुए, क्योंकि डायग्राम कई बार ऐसा बन जाता है जिसमें ना आपका हाथ ना पूरी तरह मुड़ नहीं पाता, तो आप परेशान ना हो। आपने मेरे को देखा, मैं कभी इधर आ जाता हूँ और कभी मैं इधर चला जाता हूँ, डायग्राम चेंज ही करूँगा मैं, ठीक है? तो देखा मैंने, जब इधर इधर निकालना था तो मैं इधर आ गया, इधर निकालना है तो मैं इधर ही रहा, लेकिन अगर मेरा पॉइंट यहाँ हो गया तो देखो अब मैं इधर आ गया, तो ये रहा थंब आउटसाइड, ईजी हो गया। आप कहोगे हम क्या करेंगे, पेपर में टीचर घूम रहा होगा तो मैं कभी इधर उधर जाऊँगा? नहीं, आप अपनी कॉपी चेंज कर लें। मैं बोर्ड चेंज नहीं कर सकता, आप कॉपी तो चेंज कर सकते हैं, तो अपनी कॉपी को उठा उठा के आप गोल घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है, आप परेशान ना हो, अपने हाथ को चेंज मत करें, अपनी कॉपी को चेंज कर लें, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ, रिलेटिव मोशन तो कोई तो मूव करेगा ही, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कैसे आंसर देने हैं, कोई डाउट इसमें? अच्छा बताओ, अगर आ गया तो ये तो आंसर पक्का आ जाएगा। सपोज करो एक वायर है, एक वायर है, वायर नंबर वन, जिसमें करंट कैसे जा रहा है, इनवर्ड, करंट इनवर्ड है, ये फर्स्ट वायर है। एक और वायर है, एक और वायर है सामने पड़ी हुई है, जिसमें करंट कैसे आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड्स। आप मुझे ये बताएं कि क्या इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है या हो सकता है जहां पर नेट फील्ड जीरो हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हो सकता है इनके बीच में, हाँ या ना? अच्छा, हो सकता है, मैं चेक करता हूँ आपका आंसर सही है कि गलत। पहले ये बताएं इसमें करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड। ये यहाँ पे जो भी बी लगा, इनफाइनाइट वायर है, जो भी ये वायर यहाँ बी लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, थंब बोर्ड के अंदर कहाँ पर, डाउनवर्ड। तो ये वेक्टर क्या होगा, बी वन वेक्टर डाउनवर्ड। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है क्यों? ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर। इसमें करंट कैसे है, ये रहा आउटवर्ड, तो थंब इधर है, तो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा यहां पर, डाउनवर्ड की अपवर्ड, थंब ये रहा, तो इसका कंट्रीब्यूशन फिर कैसे होगा, डाउनवर्ड। तो मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, क्या वो नेट आंसर जीरो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो कोई पॉइंट लाए इनके बीच में कर नहीं सकता जहां पर नेट बी जीरो है, क्योंकि बी वेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों डाउनवर्ड है। समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, सपोज करो आपके पास ये एक वायर है, ठीक, ये एक वायर है और ये एक और वायर है, इसमें करंट, करंट जो है वो इनवर्ड्स है, इसमें करंट की वैल्यू कैसी है, आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड, राइट। तो इसके अंदर मान लो ये वो पॉइंट है, क्या इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड जीरो हो सकता है दो वायर्स का, हाँ या ना? क्या ये दो वायर जो बी कंट्रीब्यूट करेंगी, क्या वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं? चेक करें, फर्स्ट वायर में करंट कैसे है, इनवर्ड्स, थंब अंदर रखें, अपने फिंगर जब यहां घुमाएंगे तो बी कैसे आएगा, डाउनवर्ड्स। देखो ना, अगर ये थंब ऐसे है, करंट ऐसे है, अगर कोई पॉइंट वहां लाई करता है तो करंट कैसे, बी वेक्टर कैसे आएगा, डाउनवर्ड। तो बी वन वेक्टर कैसे, ये टू नंबर वायर है, ये वन नंबर वायर है, तो वन नंबर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन बी वन वेक्टर कहां होगा, डाउनवर्ड्स। अच्छा, इसकी बात करें, डॉट, डॉट का मतलब करंट कैसे है, आउटसाइड, ये रहा ऐसे। तो अगर मैं यहां पी पॉइंट पर बी निकालूं तो मेरी फिंगर्स कैसे जाएंगी, अपवर्ड्स। बी टू वेक्टर कैसे होगा, अपवर्ड। ऐसा हो सकता है कि बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर को कैंसिल कर जाए तो नेट आंसर जीरो हो सकता है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैट जैसी फीलिंग दे रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, उल्टा और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो उसमें तो दिखता था वेक्टर, इसमें दिख भी नहीं रहा, इसमें निकालना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या रूल है इसमें? तो मेन जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन।
अगर आपको डायरेक्शन का गेम समझ में आ गई फिर आंसर आ गया, और अगर डायरेक्शन गलत हो गई आपका आंसर भी गलत हो गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो करें प्रैक्टिस स्टार्ट इसकी। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी आ गई स्ट्रेट वायर की वजह से,